सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता हुआ कि अभी बीटेक के जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनका अभी एग्जाम होने वाला है कि 24 मई से होने वाला है, लेकिन जो बीटेक के आपका थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे और जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनका अभी एग्जाम होने वाला रहेगा। तो उनका एक कन्फ्यूजन सा बना हुआ है कि उनका कब एग्जाम होगा, क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटी का कोई अपडेट वगैरह आपको देखने को नहीं मिला ऑफिसियल साइट पर। हालांकि कुछ कॉलेज का मतलब कि अपना नोटिफिकेशन वगैरह निकला हुआ है, नोटिस वगैरह निकला हुआ है। जैसे कि मैंने अरवल कॉलेज का देखा था कि उनका 10 तारीख से बताया गया कि एंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट के लिए और थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि वो नोटिस मेरे को जहां तक लगता है वो फेक नोटिस था, क्योंकि यूनिवर्सिटी इसका डिसीजन ले सकती है कि किसका एग्जाम कब होगा नहीं होगा। ये किसी पर्टिकुलर कॉलेज के पास ऐसा अथॉरिटी नहीं है, और उन्होंने जैसे कि बोला कि 10 तारीख से एग्जाम होगा, तो मे भी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो हो सकता है सच भी निकले, लेकिन ऐसा यूनिवर्सिटी का ही नोटिस आता है जिसमें कन्फर्मेशन मिलता है, बट किसी पर्टिकुलर कॉलेज के इन्फॉर्मेशन से ये चीज़ कन्फर्म नहीं होते हैं। हालांकि बहुत सारे कॉलेज का मिड सेमेस्टर भी अभी नहीं हो रखा है, तो उनका मिड सेमेस्टर भी जो कि बीटेक के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है और फिफ्थ सेमेस्टर के, उनका मिड सेमेस्टर भी हो जाएगा अगले 4 से 5 दिनों में, ठीक ना। और आपका एग्जाम का डेट कब तक होगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और आपका मेनली जो कन्फ्यूजन है उस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका कन्फ्यूजन ये है कि एग्जाम कब होगा। आपका एग्जाम डेट अभी तक आपका नहीं आया, तो कोई कन्फर्मेशन आया नहीं है, तो वो हम बात करेंगे कि एग्जाम डेट आपका कब तक होने की पॉसिबिलिटी रहेगी और कब तक होने के चांसेस रहेगा। और जो मैं डेट बताऊंगा वो एग्जैक्टली डेट रहेगा, उसी के आसपास आपका एग्जाम 110% अपने को देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि बहुत सारे कॉलेज में ये चीज़ बताया गया है कि एग्जाम का डेट है वो अभी कन्फर्म नहीं किया गया, लेकिन मेरे अनुसार जो है कि आपका एग्जाम है वो 15/6/2023 के अराउंड अपने को देखने को मिल जाएगा। मतलब 15 के आसपास आपका एग्जाम कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि जो डेट वगैरह निकला हुआ है इसमें मतलब जैसे 2-4 मीटिंग भी हुआ था बीच में, तो उस मीटिंग में इसी के अराउंड को ध्यान में रखते हुए आपका शेड्यूल वगैरह तैयारी करने की बात चल रही है। जैसे शेड्यूल वगैरह रेडी हो जाएगा तो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा, वो नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो आप मान कर चले कि आपका एग्जाम जो है कि 15/6/2023 के अराउंड अपने को देखने को मिल जाएगा, 15/17/18 के आसपास एग्जाम देखने को मिल जाएगा, लेकिन 10 से नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10 से अभी जो चीज़ें बात चल रही है वो 10 से अभी कंफर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज का मिड सेमेस्टर बाकी है और फॉर्म वगैरह भराना भी बाकी है। तो फॉर्म वगैरह भी भराने को अपने को जो डेट निकलेगा वो अपने को देखने को मिल जाएगा 2 से 5 तारीख के डेट में, अपने को जो है कि आपका फॉर्म भरने का डेट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कन्फ्यूजन था जो कि कन्फर्म हो गया। अब देखिए, आप लोग जो है ना कि एक डाउट ये भी आ रहा था कि आप लोग फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने स्टडी पे, ड्यू टू कि आपका एग्जाम का डेट जैसे ही कन्फर्म हो जाता है तो फिर आप लोग फोकस्ड हो पाते हो, आप लोग डेडिकेटेड हो जाते हो कि मेरे को ये डेट मिल चुका है एग्जाम का, तो अपना पढ़ाई पर फोकस करते हो। बट अभी देखिए कुछ लोगों का डिस्ट्रेक्शन इधर उधर जा रहा है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड करता हूँ। देखिए, अपने को क्या करना है, सिलेबस अपने को 100% अगर हो जाता है तो 100% आप इसको कवर कर लीजिए, क्योंकि जैसे सिलेबस आप कवर कर लोगे तो सिलेबस कवर हो जाएगा, तो आपका एग्जाम जब भी होगा तो बस चीज़ों को रिवाइज करना होगा और आपको पेपर देना होगा, तो अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। लेकिन अभी क्या है कि PYQ भी अपने को सॉल्व कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट आपके पास 15 से 20 दिन का ही टाइम है, तो 15 से 20 दिन का टाइम में आपको PYQ करने में भी आपको 3-4 दिन लग जाएंगे, 5 दिन लग जाएंगे, रिवाइज भी करने में लग जाएंगे, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें आपको अपने करते रहना चाहिए था, तो PYQ कर लो। एंड उसके सिवा मॉडल सेट भी आपके बहुत सारे कॉलेज का आ रखा है, तो मॉडल सेट भी आप एक बार कर लो, मॉडल सेट भी करोगे और PYQ कर लोगे और सिलेबस कवर कर लोगे, तो आपका अच्छा खासा पेपर पे कमांड हो जाएगा और आपका स्कोरिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके सिवा देखिए, मिड सेमेस्टर जिनका हो गया है उनका मिड सेमेस्टर का क्वेश्चन मिलेगा, तो उस क्वेश्चन को भी आप लोग जो है कि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि मिड सेमेस्टर के 1-2 क्वेश्चन जो है वो हो सकता है किसी ने सिलेबस से ही सेट किया होगा या PYQ से ही सेट किया होगा, तो वो जो मिड सेमेस्टर का क्वेश्चन वगैरह ये भी आपके एंड सेमेस्टर के एग्जाम में अपने को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग का भी जो पेपर आया था उसमें 1 क्वेश्चन मेरे को मिड सेमेस्टर का ही क्वेश्चन लगा, ठीक है, तो वो भी आपका हो सकता है। एंड प्रॉपर आप जो भी चीज़ें अभी तक पढ़ लिए हो उसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज करो, क्योंकि रिवाइज करना जरूरी है, प्रॉपर एक रिवीजन करो, क्योंकि अब अपने को टाइम नहीं है कि एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ोगे, जो चीज़ें हैं उसको आप अच्छे से कंट्रोल करके रखो, अच्छे से रिवाइज वगैरह करके रखो। तो ये आप पास जो है कि फोकस करने का एक तरीका होगा, इतना चीज़ आप कर लोगे तो 100% चांस है कि आप जो है कि सेमेस्टर में कैरी वगैरह लगने का जो डर होता है वो चीज़ खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना करने के बाद आपका ऑलमोस्ट सारा चीज़ें कवर हो जाएंगी, इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी नहीं जाएंगे आपके सेमेस्टर में, तो इतना चीज़ कर लेना। और डेट यहाँ पर बता दें कि 15/6/2023 के आसपास आपका एग्जाम होने वाला रहेगा, जो कि बीटेक का थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट है। और फॉर्म भरने का डेट मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि फॉर्म भरने का जो डेट है वो 2 से 5 को अपने को अराउंड देखने को मिल जाएगा, 2 से 5 ये 6ठा महीना में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपका पूरा कंफर्म मैंने बता दिया कि आपका एग्जाम कब तक होगा, फॉर्म कब तक भराएगा, और अपने को पढ़ना है, फोकस करना अपने सिलेबस पे, तो कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो आई थिंक आपको कंफर्मेशन मिल गया होगा। अब बाकी जो यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन अभी ऑफिशियल रूप से आया नहीं है, जैसे ही ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। मीटिंग जहां तक की हुई है तो आपको ध्यान में रख के यही डिसाइड किया जा रहा है कि 15/17 के अराउंड आपका एग्जाम शेड्यूल किया जाए, और जैसे ही यूनिवर्सिटी का कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। बाकी अभी के लिए इतना अपडेट है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।